मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र में एक लड़की की हत्या कर शवको हाई स्कूल के पीछे फेंक दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म के बाद गला दबाकर लड़की की हत्या की गई है। शव के गले में निशान भी मिला है। शव की पहचान करजा थाना क्षेत्र के रूपवरा निवासी मोहम्मद नसीर के 18 वर्षीय पुत्री शबाना खातून के रूप में हुई है। लड़की कल शाम से ही लापता थी। रेपुरा हाई स्कूल के पीछे आम के बगीचे में शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सब मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस दो थाने की पुलिस मौके पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल लड़की करजा थाना क्षेत्र के रूपवरा के रहने वाली थी। लड़की का शव कांटी थाना क्षेत्र के सोनबरसा में मिला, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कुछ समय के लिए लोगों ने आक्रोश भी जताया है और तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां पे साफ तौर पे देख सकते हैं ये घटना। मतलब इसको कॉल करके कोई बुलाया गया था, किसी के जरिए बुलाया था। कल शाम में मतलब ये निकल गई थी। हम लोग ढूंढे प्रयास किए खोजने का, हम लोग को नहीं, रात भर में रिकवरी हुआ। तो सुबह में हम भी अपना ड्यूटी चले गए और अभी पता चला है कि ऐसा ऐसा घटना है, तो हम आए। हम इंसाफ चाहते हैं। कोई कॉल करके इसको परेशान करता था, इसका वीडियो फेक आईडी से बना करके मतलब कि इसको ब्लैकमेल किया जाता था। ये लगभग 2-3 महीने से था। हाँ, शायद 5-7 दिन पहले थाना में, करजा थाना में आवेदन दिया गया था 13 तारीख के आसपास, लेकिन करजा थाना की तरफ से भी कोई काम नहीं हुआ, एक्शन नहीं लिया गया लगभग 3-4 महीने से। सजा मिले भाई, घर में मालूम था कि परेशान कोई करता है, लेकिन पता नहीं कि कौन परेशान करता है। फेक आईडी से परेशान करता था, जिससे पता ही नहीं चलता था कि कौन कॉल कर रहा है, नहीं कर रहा है। जी, अश्लील फोटो, शबाना खातून, पढ़ाई अभी होल्ड था उसका। हाँ, कल से लापता थी, लगभग 4 से 5 बजे। आज तो हमको यही जान के सुबह में लड़की के पिता गए, जो कल शाम से ही मेरी बच्ची घर पे नहीं है। तो हम बोले थाना पे जा कर के आवेदन दिए थे, तो बोले जो हम 5-6 दिन पहले कुछ 2-3 नंबर था उससे ब्लैकमेल, मैंने कभी वीडियो बना करके उसका धमकी दे रहा था या ब्लैकमेल कर रहा था, जो तुम आओ, मैंने बुला रहा था, उसी पर आवेदन दिए हुए हैं। हम कहें 9:30 में वो आया, हम कहे थाना पे जाइए, अब हम फ़ोन कर रहे हैं। उसी बीच हम लोग को पता चला जाए गाछी में लाश फेंका हुआ, फिर आए यहाँ तो सब लोग आया, लड़की के माता पिता पूरे ग्रामीण लोग एकत्रित हुए, फिर आप लोग को जान के भी फिर आप लोग आए। लग तो रहा है जो उसको मार के कुछ फेंक दिया है, अब तो वो नंबर 3-4 नंबर है जिससे इसको परेशान कर रहा था। हम लोग को तो यही है जो वही नंबर वाला एक ही ब्लैकमेल करेगा, वही ना मार, दूसरा काहे मार देगा, जिससे परेशानी था इसको उसी ना, वही ना मारेगा इसको। हम लोग को तो पूरा है, जो नंबर है 3, उसका पुलिस जब छानबीन करेगी तो पता चल जाएगा कि किसका कौन मारा नहीं मारा। पुलिस आई थी, पानापुर ओपी आई थी, कांटी थाना भी आई है। अभी पोस्टमार्टम इंक्वेस्ट बन रहा है, पोस्टमार्टम होगा, बाकी आगे का तो कार्रवाई पुलिस ही करेगी। कांटी थाना अंतर्गत सदातपुर पंचायत का रेपुरा हाई स्कूल के बगल में एक आम का बगीचा है, जहाँ एक शबाना खातून उम्र लगभग 18 वर्ष है, उसका डेड बॉडी वहाँ मिला हुआ है। वो मूल रूप से रूपवरा करजा थाना की रहने वाली है, कल से वो मिसिंग थी। यहाँ उसका डेड बॉडी दिन में मिला है, लगभग 12:30 बजे के आसपास। गले पे उसका निशान है जिससे उसकी हत्या की बात बताई जा रही है। उसमें डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया था, वो जाँच कर रहा है, इंक्वेस्ट बना के और उसका पोस्टमार्टम के लिए SKC हम लोग भेजे हुए हैं। आगे परिजनों से बातचीत कर रहे हैं आवेदन मिलने पर, और हमारे तकनीकी रूप से जो भी चीज़ तथ्य सामने आएंगे प्राथमिकी दर्ज कर अगत कार्रवाई उस पर की जाएगी। एक बात इसमें आ रही है कि सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले कुछ इसका तस्वीर वायरल हुआ था करजा थाना में। परिजनों का कहना है कि हमने करजा थाना को सूचित किया था, लेकिन इस संदर्भ में हमको जानकारी विशेष अभी तक नहीं है, लेकिन ये बात सामने उसमें आई हुई है। इस संबंध में भी जानकारी प्राप्त करके इस संबंध में जो भी जानकारी होगा उसको इस केस में इंक्लूड किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।